चैप्टर सेकंड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले वेक्टर, वेक्टर को अपन किसी वन रो, एक ही रो हो जैसे ये, या वन कॉलम, ये अपन ने ले लिया। वेक्टर को वन रो या वन कॉलम से डिनोट करते, क्लियर? वेक्टर को वन रो या वन कॉलम से डिनोट करते हैं। ये भी एक वेक्टर होगा, मैट्रिक्स है ना। क्या यहाँ कॉमन लगता है मैट्रिक्स में? नहीं। तो जो अपने वेक्टर को मैट्रिक्स में वन रो या वन कॉलम से डिनोट करते हैं, और इसी को अपन 3D में लिखे हैं, वन पॉइंट कैसे आ जाएगा मान लो, जैसे 1, 5, 6, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में आ गया, और ये 7, 9, 3 से डिनोट करते हैं। इसका मीन क्या हुआ? जो अपना वन रो है, जो ये एक पूरा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर या ये वेक्टर जो है ये रो की फॉर्म में, ये कॉलम की फॉर्म में, क्लियर? तो उसको अपन 3D में एक पॉइंट से लिखेंगे। इसका मतलब चाहे वो वन रो हो या वन कॉलम हो, सेम बात है, क्लियर? 3D में दोनों का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सेम आ गई कंडीशन। तो वेक्टर की कंडीशन होती है इन जनरल किसी मैट्रिक्स के लिए वन रो या वन कॉलम, इसी को 3D में एक पॉइंट से डिनोट करना है, तो ये पॉइंट इस फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर? फिर अब अपन बात करें इसमें, ये तो क्या, फिर नल वेक्टर है ना, ये वेक्टर था, फिर दूसरा नल वेक्टर, नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या होगा? इनको लिखना चाहो अल्फा बीटा, वेक्टर को ग्रीक लेटर से लिख सकते हो, है ना। नल वेक्टर को ये 0 डार्क करके लिखना, ये 0, 0, 0 3D में लिखना है तो ये, 4D में लिखना है तो उस फॉर्म में आ जाएगी कंडीशन। तो अगर किसी वेक्टर के ऑल कंपोनेंट्स 0 है, ये कहलाते हैं कंपोनेंट, 1, 5, 6, 7, 9, 3 जो कंपोनेंट यानी घटक। तो अगर किसी वेक्टर के सारे कंपोनेंट 0 हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, नल वेक्टर। ये तो 3D का हुआ, मान लो n डायमेंशन लिखना है तो ये कंडीशन आ जाएगी, क्लियर? तो ये अपना हो गया नल वेक्टर। फिर है यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, जिस वेक्टर का एक कंपोनेंट 1 हो, बाकी सब 0 हो। जैसे मैं 3D की बात कर रही हूं, ध्यान से समझना, 3D इसका एक कंपोनेंट क्या है, 1, बाकी सब क्या है, 0। और यहाँ कॉमा आएगा, ध्यान से देखो, मैट्रिक्स के लिए कॉमा नहीं आता है, मैं रो में लिखूं कॉलम में लिखूं, बट कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या आ जाता है, कॉमा आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर ये होगा 3D में, और कौन सी कंडीशन होगी, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये लिखा जाता है E1 से, ये लिखा जाता है E2 से, और ये लिखा जाता है E3 से। E1 का मतलब इसका फर्स्ट वाला कंपोनेंट 1 होना चाहिए, अदर कंपोनेंट्स 0। E2 का मतलब सेकंड कंपोनेंट 1, अदर कंपोनेंट्स 0। 3 का मतलब ये स्टार्टिंग के 2 कंपोनेंट 0, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया अपने यूनिट वेक्टर। अगर n डायमेंशनल लिखना है, en लिखना है अपने को, तो क्या होगा, 0, 0, 0, ये 1 n वाली पोजीशन पे आ जाएगा, क्लियर? तो 1 e1 का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 1 आएगा, अदर कंपोनेंट 0। e2 का मतलब सेकंड पोजीशन पे 1 आएगा, अदर कंपोनेंट 0। 3 का मतलब थर्ड वाला 1, बाकी सब 0। ये आ गई अपने यूनिट वेक्टर की कंडीशन। फिर अब अपन बात करें इसमें इक्वल वेक्टर्स।
टू वेक्टर आर इक्वल, जैसे ये वेक्टर है ए वन ए एन एन डायमेंशन, ये बी वन बी टू ये एन डायमेंशन, क्लियर? तो फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा ए वन बी वन के, ए टू बी टू के एंड सो ऑन ए एन बी एन, क्लियर? ये अपने पास क्या हो गई, इक्वल वेक्टर्स की कंडीशन। अब है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन क्या होगा टू वेक्टर्स का, जैसे दो वेक्टर्स हैं अपने पास, इसको जैसे अल्फा ले लिया ए वन ए टू ए एन डायमेंशनल ले लिया ना, और बीटा ले लें बी वन बी टू बी एन, क्लियर? अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, ए वन प्लस बी वन ए टू प्लस बी टू एंड सो ऑन ए एन प्लस बी एन, ये टू वेक्टर्स का एडिशन हो गया, क्लियर? तो ये अल्फा ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा के कंडीशन, क्लियर? तो फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा, सेकंड में सेकंड, और एन वाले में एन। फिर है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स या स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, अदिश गुणों कि अगर अपना अल्फा है ए वन ए टू ए एन तो लैम्डा अल्फा, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा, ये लैम्डा है इसके एवरी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा ए वन लैम्डा ए टू एंड सो ऑन लैम्डा ए एन, क्लियर? ये कंडीशन आ गई, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन। फिर अब अपन लेना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये तो था लैम्डा के साथ मल्टीप्लीकेशन, अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अल्फा अपना है ए वन ए टू ये, बीटा है बी वन बी टू ये बी एन, क्लियर? अब इनका स्केलर प्रोडक्ट लें यानी अल्फा डॉट बीटा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट से फर्स्ट मल्टीप्लाई ए वन बी वन और कमा ए टू बी टू और ये ए एन बी एन, ये हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फिर अब अपन ले इसमें कंडीशन, सॉरी इसमें सम आता है ना, अपन जो लेते हैं कंडीशन, तो ये लो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में नहीं आते, ये यूं आ जाता है, क्लियर? ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू कोऑर्डिनेट फॉर्म में नहीं रहता, ए एन बी एन, ये आ गया दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, एक अल्फा है अपने पास ए वन ए टू ए एन, दूसरा बीटा है बी वन बी टू बी एन, इनके बीच क्या चाहिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस को अपन किससे डिनोट करेंगे, ये मॉड अल्फा माइनस बीटा, चाहे बीटा माइनस अल्फा, डिस्टेंस सेम होती है। इससे कंडीशन आ जाएगी अपने पास अंडर रूट ऑफ ए वन माइनस बी वन का होल स्क्वायर प्लस ए टू माइनस बी टू का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस बी एन का
होल्स की। ये हो गई दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस, दो वेक्टर्स के बीच डिस्टेंस। अब है यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस में क्या होगा, अपने पास एन डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब उसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या हो, एन हो। तो एन यूक्लिडियन स्पेस का मतलब है कि किसी वेक्टर के जो एन कंपोनेंट्स हैं, है ना, एन कंपोनेंट्स के सभी वेक्टर्स का सेट, एन कंपोनेंट। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, फिर ये दूसरा वेक्टर ले लिया, ये तीसरा ले लिया, इन सभी का सेट ले लिया, क्लियर। तो एन कंपोनेंट के सभी वेक्टर्स का सेट, कि सब में एन कंपोनेंट्स होने चाहिए। इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, क्लियर। इन सभी का अपन ने सेट ले लिया, क्लियर। और वो क्या करता हो, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और क्या कंडीशन आ जाए, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन और डॉट प्रोडक्ट, या स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, एक्सेट्रा। इन रूल्स को फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है। तो अपन कोई भी एन डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस का क्या मीन होगा, कि एन कंपोनेंट के सभी वेक्टर्स का सेट, क्लियर। वो सभी वेक्टर्स का सेट वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जो अपन स्केलर्स वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्लियर, उन सारे रूल्स को सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाएगा वो, यूक्लिडियन स्पेस, क्लियर। थ्री डी में भी हो सकता है वो, फोर डी भी हो सकता है, अपन जनरल क्या बात कर रहे हैं, एन डायमेंशन। तो एन डायमेंशन के लिए क्या होगा, एन कंपोनेंट्स के जो वेक्टर्स का सेट है, ये पूरा का पूरा सेट, इनमें वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करेगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन को भी करेगा और डॉट प्रोडक्ट को भी करेगा, या और भी कोई रूल हो उनको भी सेटिस्फाई करेगा, तो वो क्या कहलाता है, यूक्लिडियन स्पेस। अब अपन पढ़ेंगे एलसी, लीनियर कॉम्बिनेशन। हिंदी में होता है एक घातत संचय। अपन ने ले लिया कि इसमें क्या कंडीशन हो, लेट ए वन ए टू, ध्यान से समझना, ए एन एक ही स्पेस के वेक्टर्स हैं, एक ही स्पेस का मतलब ये, अगर ये वेक्टर्स को डिनोट कर रहा है ना, कंपोनेंट नहीं है, ये वेक्टर्स हैं, तो अगर ये टू डी में है, ये भी टू डी में होना चाहिए, सारे के सारे टू डी में होने चाहिए। ये अगर थ्री डी में है तो ए टू भी थ्री डी में होना चाहिए, ए एन भी थ्री डी में, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स एक स्पेस के होने चाहिए। यहाँ तो सब टू डी में है, सब थ्री डी में है, सब एन डायमेंशन, तो ए वन ए टू ए एन जो है एक ही स्पेस के वेक्टर्स है, क्लियर। और देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, इनके कारण क्या एक स्केलर एग्जिस्ट है, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा एन, क्लियर। और सच दैट ए वन लैम्डा वन, ए टू लैम्डा टू एंड सो ऑन, ए एन लैम्डा इज कॉल्ड एलसी ऑफ वेक्टर्स ए वन ए टू ए। तो क्या कंडीशन आ गई अपने पास, ए वन ए टू एन जो है एक ही स्पेस के वेक्टर्स हैं, there exist
स्केलर्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n सच दैट a1 लैम्डा 1 प्लस a2 लैम्डा 2 एंड सो ऑन an लैम्डा n इज कॉल्ड एलसीएम ऑफ वेक्टर्स a1 a2 an क्लियर। ये कहलाएगा अपने एलसी यानी लीनियर कॉम्बिनेशन। सारे के सारे वेक्टर्स एक ही स्पेस के होने चाहिए क्लियर। अब इसी एलसी से अपन बनाएंगे li और ld, लीनियरली इंडिपेंडेंस और लीनियरली डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस है ना। शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे li। अपने पास क्या है एक ही स्पेस के वेक्टर्स कौन कौन से हैं a1 a2। ये वेक्टर को डिनोट कर रहा है। आप अल्फा बीटा गामा ग्रीक लेटर में ले तो कहां तक ले अगर l लेना तो ये इन्हीं को वेक्टर्स बोल है ना। ये कंपोनेंट्स ही ये वेक्टर्स क्लियर। जितने वेक्टर्स उतने ही स्केलर एग्जिस्ट होंगे। दे आर एग्जिस्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n सच दैट a1 लैम्डा 1 a2 लैम्डा 2 a3 लैम्डा 3 एंड सो ऑन an लैम्डा n इज इक्वल्स टू 0 क्लियर। तो जितने वेक्टर्स उतने ही स्केलर्स आ गए सच दैट इन सभी ये कौन है एलसी ऑफ a1 a2 है। लीनियर कॉम्बिनेशन का सम किसके इक्वल है जीरो वेक्टर क्लियर। ये कंडीशन a1 लैम्डा 1 प्लस a2 लैम्डा 2 एंड सो ऑन an लैम्डा n इज इक्वल टू 0 अगर ये कंडीशन है तो ये इंप्लाइज दैट सारे के सारे स्केलर्स जीरो होने चाहिए। लैम्डा 1 भी जीरो लैम्डा 2 भी जीरो। ये वेक्टर डार्क लिखेंगे ये सिंपल स्केलर है सिंपल जीरो है एंड सो ऑन लैम्डा n जीरो क्लियर। ये क्या हो गया ऑल स्केलर्स आर जीरो। सारे के सारे स्केलर जीरो देन a1 a2 एंड सो ऑन an आर कॉल्ड li वेक्टर्स और इनको एक सेट में लिखेंगे तो वो सेट कैसा हो जाएगा li सेट। इनको अगर मैंने सेट में लिखा a1 a2 an इज li सेट क्लियर। तो ये आ गई अपने li की कंडीशन। फिर एलडी लीनियर डिपेंडेंस शॉर्ट फॉर्म में एलडी क्या होगा एक ही स्पेस के वेक्टर्स हैं ये क्लियर। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो क्लियर। तो ये ऑल स्केलर जीरो है एटलीस्ट वन स्केलर नॉन जीरो कम से कम एक स्केलर होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। कम से कम का मतलब एक भी जीरो नहीं हो सकता दो भी तीन भी सारे ही जीरो नहीं हो क्लियर। तब उन वेक्टर्स को अपन क्या बोलेंगे li वेक्टर्स। तो ये लेने हैं वेक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं यही कंडीशन आ जाएगी। तो वेक्टर्स a1 a2 एंड सो ऑन an आर कॉल्ड LD if a1 lambda 1 a2 lambda 2 a3 पूरी ये लिखना है there exist है ना ये a3 lambda 3 ये जीरो है तो at least वन स्केलर क्या होना चाहिए नॉन जीरो है ना। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक स्केलर है नॉन जीरो होना चाहिए। अब वो एक भी हो सकता है कोई सा भी एक हो सकता है दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं। तो अगर अपने पास कैसी कंडीशन आ जाए एटलीस्ट वन स्केलर नॉन जीरो है तो वो कैसी कंडीशन होगी एलडी और उनसे बना सेट क्या हो जाएगा एलडी सेट। प्रूव दैट ध्यान से समझना इसको ही आगे से आगे कॉन्सेप्ट काम में आता है। वेक्टर्स का सेट जिसमें जीरो वेक्टर
है ना, जीरो वेक्टर है एक और दो, अगर जीरो वेक्टर है तो वो नेसेसरी एलडी सेट होता है। अपन ने ले लिया लेट ए वन ए टू ए एम एंड सो ऑन, ये है वेक्टर्स का सेट। इसमें से तुम्हारी इच्छा किसी भी एक वेक्टर को जीरो मान लो। अपन ने लेट कर लिया ए एम जीरो, किसी को भी मान सकते है ना। एंड देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एंड देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, क्या ले लें, ए वन नॉट इक्वल्स टू जीरो, सॉरी लैम्डा वन नॉट इक्वल्स टू जीरो, लैम्डा टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, लैम्डा एम इक्वल्स टू जीरो एंड सो ऑन लैम्डा एन नॉट इक्वल्स टू जीरो। बता रही हूँ कैसे कंडीशन दी, सच डैट ए वन और लैम्डा वन ए टू लैम्डा टू उल्टा लिखते हैं सॉरी, ये जीरो ये नॉन जीरो, ए एम लैम्डा एम ए एन लैम्डा एन ये जीरो। ध्यान से समझना, अपन ने ये वेक्टर्स का सेट लिया क्लियर, इसमें कोई सा भी एक वेक्टर अपन ने जीरो मान लिया, जिस वेक्टर को जीरो माना है उसके करस्पॉन्डिंग स्केलर को नॉन जीरो लेना क्लियर। मैंने ए एम जीरो लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, लैम्डा एम, वो नॉन जीरो लेंगे। अगर तुम ए टू को जीरो मान रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा टू को नॉन जीरो लगे और बाकी सारे स्केलर्स को मैंने जीरो लग क्लियर लट कर सकते हैं अपन। तो अपन ने क्या लिया, ये वेक्टर्स का सेट है, इनमें से कोई एक वेक्टर जीरो है उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने स्केलर बताया कि ये ए वन के लिए लैम्डा वन जीरो, लैम्डा टू जीरो, ए एम के लिए लैम्डा एम नॉट इक्वल्स टू जीरो क्लियर। और ये कंडीशन क्या, ये जीरो होगी, देखो ए वन कितना है, लैम्डा वन कितना है, जीरो, ए टू लैम्डा टू कितना लिया, जीरो, ए एम जीरो वेक्टर, लैम्डा एम नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए एन जीरो क्लियर। ये आ गई कंडीशन, तो ये क्या आ गया, ये जीरो वेक्टर, स्केलर को ये वेक्टर है, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाएगा, ये जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर, इन सबका सम जीरो वेक्टर, विच इज ट्रू क्लियर, विच इज ट्रू। तो क्या कंडीशन आ गई, अगर स्केलर में से कोई एक नॉन जीरो होता है तो वो कैसा सेट होता है, एलडी क्लियर। ये कंडीशन है ना, जीरो अपन ने बताया लैम्डा वन जीरो है, लैम्डा टू जीरो है, लैम्डा एम नॉट इक्वल्स टू जीरो है और लैम्डा एन इक्वल्स टू जीरो है, तो ये क्या हो गया, सो वेक्टर्स कौन से, ए वन ए टू ए एम एंड सो ऑन ए एम, सो सेट ऑफ वेक्टर्स इज एन डी। तो एलडी की कंडीशन होती है कि वेक्टर्स का सेट एलडी होगा, उनके कारण जो स्केलर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं उनमें से कम एक स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए। तो अपन ने ये बोल रहा है कि अगर किसी सेट, डायरेक्ट ये यूज में लेंगे, अगर किसी सेट के अंदर जीरो वेक्टर होता है तो वो सेट हमेशा एलडी सेट होता है। तो कैसे होगा, किसी एक को जीरो मानो, उसके करस्पॉन्डिंग स्केलर को नॉन जीरो, बाकी सबको अपन ने जीरो मान लिया। अब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन का सम जीरो आ रहा है, रख के देखो वैल्यू आ रही है कंडीशन, ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये सारे स्केलर में से एक जीरो होने के कारण ये सेट कैसा हो गया, एलडी सेट। तो आगे या कहीं पे भी काम में लेना हो कि अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर होता है तो वो हमेशा कैसा सेट होगा, एलडी। Prove that the set of the unit vectors of a space is Li, है ना?
यूनिट वेक्टर्स का सेट लें वो क्या होता है, कोई सा भी डायमेंशन लो ऑफ स्पेस, दे रखा है क्या 2D 3D है, नहीं है, कोई सा भी स्पेस ले लिया। लेट अपन ने क्या ले लिया, एन डायमेंशन स्पेस में, यानी इवन क्या होगा 1 0 0 0 एन डायमेंशन में, कि फर्स्ट वाला 1 बाकी सब 0। E2 E3 एंड सॉन E, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, आर यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स इन एन डायमेंशन, क्लियर। तो ये एन डायमेंशन के लिए यूनिट वेक्टर्स हो गए। अब ये बोल रहा है कि इनका सेट टू प्रूव इवन E2 EN हमेशा कैसा सेट होता है, LI। तो चाहे LD हो चाहे LI हो, जितने वेक्टर्स उतने ही स्केलर्स। अपन ने क्या ले लिए, लेट करो या देयर एग्जिस्ट करो, कि अपन ने लेट कर लिए स्केलर्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सॉन लैम्डा, क्लियर, सच दैट लैम्डा 1 E1 लैम्डा 2 E2 लैम्डा n EN किसके इक्वल है 0। अगर अपन ने प्रूफ कर दिया सारे के सारे स्केलर्स 0 है तो कैसा सेट होगा, LI। तो सारे स्केलर्स को 0 प्रूफ करना, तो लैम्डा 1 E1 कितना है 1 0 0, कॉमन ही आएगा ना। अगर n डायमेंशन लिख रहे हो तो कॉमा लगाओ, नहीं तो सिंपल भी है ना, कॉमा लगाया n डायमेंशन के लिए। और ये लैम्डा 2 0 1 0, लैम्डा n 0 0 1, ये वेक्टर भी n डायमेंशन होगा, ये स्केलर्स है, सिंपल है ना। अब अपन देखें इससे क्या फॉर्म बनेगी, लैम्डा 1 ध्यान से देखना, ये लैम्डा 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा 2 सबसे, लैम्डा n सबसे, फिर अपन वेक्टर एडिशन देखते, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस लैम्डा 2, ये एंड सॉन 0 0, ये लैम्डा 0 0 0। अब अपन कंडीशन देखें इससे, ये हो जाएगा लैम्डा 1 ये लैम्डा n 0 0 0, दो वेक्टर्स इक्वल है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे, तो लैम्डा 1 कितना हो गया 0, लैम्डा 2 क्या हो गया 0, लैम्डा n क्या हो गया 0, सारे ही स्केलर 0 आ गए, सो इवन E2 EN क्या हो जाएगा, LI, क्लियर, ये हैंस। तो ये बोल रहा था प्रूव दैट द सेट ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ ए स्पेस इज LI। स्पेस में कंडीशन मेंशन नहीं थी, इन जनरल अपन ने n डायमेंशन ले लिया, तो n डायमेंशन में अपन ने यूनिट वेक्टर्स ये n आएंगे, E1 का मतलब होगा फर्स्ट वाला 1 बाकी सब 0, E2 का मतलब 0 1 0, इस फॉर्म में आ जाएगी कंडीशन, ये 0 0 1 0 EN के लिए, ये फिर प्रूफ करना है ये सेट क्या होना चाहिए, LI। तो आपने क्या ले लें, ये स्केलर्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, सच दैट लैम्डा 1 E1 लैम्डा 2 E2 लैम्डा n EN 0। अपन बताएंगे अगर सारे स्केलर्स 0 हैं तो वो LI सेट होगा, इनकी वैल्यू रख दो E1 E2 EN की, लैम्डा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा सबसे, लैम्डा 2 लैम्डा n, फिर इनका वेक्टर एडिशन कर लिया, तो लैम्डा 1 में फर्स्ट फर्स्ट ऐड होंगे 0 0, फिर 0 प्लस लैम्डा 2 0, ये कॉमा 0 0 प्लस लैम्डा, ये 0 0 की फॉर्म में, फिर ये दो वेक्टर्स लैम्डा 1 में 0 0 ऐड करा है लैम्डा 1, फिर ऐसे ही लैम्डा 2, ये कंडीशन, दो वेक्टर्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, लैम्डा 1 0 लैम्डा 2 0 लैम्डा 0, अगर सारे स्केलर 0 है तो वो कैसा सेट होगा, LI। ये प्रूफ करना है।